ऐसे में जब हम लोगों ने इसकी पड़ताल की, क्योंकि इसके उद्घाटन से पहले से ही इस बारे में हम लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की कि इस तरह के जो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो टावर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्मोक टावर भी कहा जा सकता है, ये यहाँ पर कारगर नहीं है। दुनिया के कई देशों में, चीन या अमेरिका या फिर दिल्ली में भी इसका अभी परीक्षण चल रहा है। ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बावजूद भी 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके नोएडा अथॉरिटी BHEL ने CSR में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, और लोगों को एक तरह से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी हवा को साफ करने के लिए एक प्रयास किया गया है। जबकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कारगर नहीं है, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। और कहीं ना कहीं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ओपन एनवायरनमेंट में आप इस तरह के क्या डिवाइसेस लेकर के आ सकते हैं, एक स्मोक टावर कैसे उस हवा को साफ कर सकता है। एक बंद कार में, बंद मकान में एक हद तक आप एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की डिवाइसेस को जब आप ओपन में लगाएंगे तो ये किसी आई वॉश से कम नहीं है। मतलब लोगों को भ्रम में डालने से ज़्यादा ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरह की रिसर्च अभी इस पर हो पाई है।